अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 31। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स क्या है कि अगर ये x है तो एक x हुआ, एक उसमें से एक कम, मीन्स अगर 4 है तो कंसेक्यूटिव नंबर हो गया 3। 3 का केस है तो दूसरा वाला उससे एक कम, 5 का केस है तो उससे, अगर 100 का केस है तो दूसरा उसे तो कंसेक्यूटिव। तो अगर आप किसी नंबर को x मान रहे हो तो उसका अगला कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा x माइनस 1। तो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू मीन्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है 31 है। तो सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और माइनस 2ab तो हो जाएगा प्लस 2ab विच इज 2x इक्वल टू 31। x x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 2x, 1 को उधर ले जाएंगे 31 प्लस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 32 अपॉन 2 विच इज 16। तो द कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x हैं, तो जो आपका कंसेक्यूटिव नंबर आपने लिया था वो आपने x लिया था, तो x आपका 16 हो गया। दूसरा क्या है 15, तो 16 और 15 के स्क्वायर का डिफरेंस आ गया 31। तो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 16 एंड 15। गाइस वन सेकंड, सो हमने बेसिकली क्या किया, हमने कहा जा रहा था कि लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स बी एक्स एंड एक्स माइनस वन, तो हम लोग एक्स कह रहे थे स्क्वायर, जो डिफरेंस है उनके स्क्वायर का वो 31 है। तो हम लोग स्क्वायर निकाल लिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का टर्म रख के इसको सॉल्व पुट कर दिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, x x कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 आया 31, फिर 1 को इधर भेज दिया 2x इक्वल टू 32, फिर x की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 2 विच इज 16। तो कंसेक्यूटिव नंबर x और x माइनस 1 माना था, तो x की वैल्यू 16 हो गई, तो x माइनस 1 हो गया 15। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आ गया 16 और 15।